लेकिन अब बात करते हैं खबर की, जिंदल स्टेनलेस और जिंदल स्टेनलेस हिसार के मर्जर पर इनफैक्ट हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिंदल स्टेनलेस के सीएफओ अनुराग मंत्री मौजूद हैं। हालांकि आपको बता दें कि बोर्ड ने जिंदल स्टेनलेस हिसार और जिंदल स्टेनलेस के विलय को मंजूरी दे दी है और जिंदल स्टेनलेस हिसार के हर 100 शेयर पर जिंदल स्टेनलेस के 195 शेयर मिलेंगे और विलय के बाद ये दुनिया की 10वीं बड़ी स्टील कंपनियों में शामिल हो जाएगी। तो इसी पर बातचीत करते हैं और हमारे साथ अनुराग मंत्री जी मौजूद भी हैं। अनुराग जी नमस्कार। सबसे पहले तो जो स्ट्रैटेजी आपने चुनी है, जो आपने मर्ज की है दोनों कंपनी, इसके पीछे के क्या स्ट्रैटेजी रही है? और ये तो हमें पता है आपकी ओर से जो स्टेटमेंट जाहिर भी है कि कंबाइंड एंटिटी जो होगी वो 10वीं बड़ी स्टील कंपनी होगी, बट जो ओवरऑल ग्रोथ रहेगी कंबाइंड एंटिटी की वो कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे जाते हुए? अनुराग जी आपकी ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट करके प्लीज दोबारा से बताइए। ये मर्जर के बाद ये दुनिया की 10 बड़ी स्टेनलेस स्टील कंपनियों में शामिल हो जाएगी और जो अगर आप देखेंगे उड़ीसा में भी है वेरी ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इनफैक्ट जो हमने एक्सपांशन किया था उड़ीसा में जो नया ग्रैंड फील्ड प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और हम एक्सपांशन नाउ 1/3 ऑफ द कॉस्ट पे कर सकते हैं। तो अगर हमको ये कैपेसिटी डबल करनी है तो देयर इज विल बी अ गुड री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपांशन बिकॉज एज द वी आर सीइंग अ गुड प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन जो हमारे ग्रेजुअली इंप्रूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेरियस कॉस्ट एफिशिएंसी मेजर्स जो हमने लिए हैं। तो इसके कारण एक तो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर एक्सपांशन करने के लिए हमको यहाँ पे, बिकॉज एक कंबाइंड एंटिटी का कैश पूल होगा प्लस रेडीली इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे सारी रेलवे स्लाइडिंग से लेकर पावर प्लांट से लेकर वाटर कनेक्टिविटी सब कुछ अवेलेबल है, तो हम इसको आत्मनिर्भर भारत के लिए ज्यादा अच्छा एक्सपांड कर पाएंगे। दूसरा जो कॉस्ट स्केल ऑफ इकोनॉमीज के कारण जो कॉस्ट बेनिफिट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ आवर सोर्सिंग सेल्स लॉजिस्टिक्स फाइनेंस एचआर ये पूरे अक्रॉस द बोर्ड वी विल सी अ गुड फर्दर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आवर कॉस्ट। तो आई थिंक ये ओवरऑल मिलके बिकॉज ये दोनों एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंटिंग है। अगर आप हिसार देखेंगे तो उसका दे आर वर्ल्ड लार्जेस्ट रेजर ब्लेड प्रोड्यूसर, दे आर वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉइन ब्लैंक स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप प्रेसिजन स्ट्रिप्स, और अगर उड़ीसा की बात करेंगे जेएसएल में तो वहां पे देखते हैं वी हैव अ फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वहां हमारा फेरोक्रोम प्लांट है खुद का पावर प्लांट है। तो ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट अ गुड सिनर्जीज टू कम ऑन आवर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। तो यानी आपको लगता है कि जो मर्जर हुआ है उसके बाद जो सिनर्जीज हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगे। अच्छा एक चीज और समझना चाहेंगे, अब इन दोनों कंपनीज के मर्ज होने के बाद स्पेशली जो टोटल स्टेनलेस स्टील की जो मेल्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी वो पर एनम लगभग कितनी रहेगी? दोनों मिला के 1.9 मिलियन टन पर एनम हो जाएगी दोनों कंपनीज की मिला के, तो जो जिसके कारण ये वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनियों में शामिल हो जाएगी दोनों कंपनी मिला के। एक और बेनिफिट जो आएगा वो बिकॉज इससे एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होती है बिकॉज एक लार्जर कैपेसिटी लार्जर रेवेन्यू, तो 20,000 करोड़ का ऊपर का रेवेन्यू हो जाएगा इन दोनों कंपनियों का मिला के गोइंग फॉरवर्ड। तो उसके कारण डेट इक्विटी जो है वो एक से नीचे आएगी आगे, इसके कारण लीवरेज अपॉर्चुनिटी क्रेडिट वर्थिनेस वो सब इंप्रूव होगी। तो अक्रॉस द बोर्ड पीएनएल एज वेल एज बैलेंस शीट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है दोनों कंपनी के मर्जर से। और इस मर्जर के बाद प्रोमोटर होल्डिंग भी मर्ज एंटिटी में कम हो जाएगी थोड़ी? मोर ऑर लेस सेम रहेगी बिकॉज दोनों कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग अप्रोक्सीमेट सेम थी, तो मर्जर के बाद अप्रोक्सीमेट 57% ही रहेगी प्रोमोटर होल्डिंग। थोड़ा सा माइनर चेंज है बट लार्जली एक सेम ही रहेगी। ठीक है। अच्छा एक क्विकली एक चीज और अनुराग जी, आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत आप फर्दर एक्सपैंड करेंगे, उसमें आपको मदद मिलेगी इन दोनों कंपनीज को मर्ज करने के बाद, तो अगर कुछ एग्जैक्टली इंडिकेशन आप दे पाए कि क्या स्ट्रैटेजी है आपकी एक्सपेंशन फ्रंट पर या फिर और इसका साइज बढ़ाने के लिए कोई प्लानिंग आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है? एक्सपांशन के लिए थोड़ा सा आप उनको टाइम दीजिए, अभी हमने मर्जर का स्टेप लिया है, आई थिंक यू हैव टू गिव अस सम मोर टाइम, बट यस वी हैव एज मैंने जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे अगर एक्सपांशन करना है तो अगर आपको मैं नंबर बताऊं तो 0.8 मिलियन टन उड़ीसा में करने के लिए हमको अराउंड 7,000 करोड़ रुपए लगाने पड़े थे। अगर हमको ये कैपेसिटी डबल करनी है
तो भी हम 2500 करोड़ से कम में कर सकते हैं। तो ये एक ह्यूज लीवरेज है ब्राउनफील्ड एक्सपांशन का, बिकॉज अब हमको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है। पहले लाइक हमको रेलवे स्लाइडिंग से लेकर रोड से लेकर सारा प्लांट का कनेक्टिविटी पूरी तैयार करनी थी, तो नाउ हमने जो प्लांट कनेक्टिविटी बिल्ड की है उसमें हम आसानी से डबल कर सकते हैं कैपेसिटी विद 1/3 ऑफ द कॉस्ट जो नॉर्मल कॉस्ट एक्सपांशन में लगती है। तो विच विल बी अ ग्रेट वैल्यू एडवांटेज फॉर द शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव, बिकॉज उन लोग के लिए, बिकॉज हम अगर 1/3 कैपेसिटी में एक्सपांड करते हैं तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वी विल हैव एज कम्पेयर टू द अदर ग्लोबल प्लेयर्स। जी जी शुक्रिया अनुराग जी बातचीत करने के लिए और इस मर्ज पर इलैबोरेट करने के लिए, एंड गुड लक आपको फ्यूचर के लिए इस मर्ज कंपनी के लिए। हालांकि स्टॉक अगर आप देखें तो जिंदल स्टेनलेस का लगभग 0.25% नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेक के लिए